एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस पर सारे मेंबर्स यानी कि डूम के मेंबर्स या फिर आप लोग कह सकते हैं लड़कियाँ होते हैं और इधर वो लोग एक बॉल से गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन इधर ज्योति अकेली होती है, इसी कारण से वो अकेले ही स्विमिंग करने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो कुर्सी पर तैर रही होती है, लेकिन इधर वो देखती है कि कोसी उन सारी लड़कियों के ऊपर नजर रख रहा होता है और इधर में देखते थे कोसी को जो कि इतना को एक टेलीस्कोप से देख रहा होता है और इधर में दिखे जाते कोसी को जो कि लड़कियों को देख रहा होता है, लेकिन इधर वो सिर्फ एथेना को ही देख रहा होता है और इधर वो कुछ इससे पहले एपिसोड पर जो हुआ था इसके बारे में सोच रहा होता है और ये सब देखकर स्वीटी को बुरा लगता है और फिर हमें दिखाई देता है स्वीटी तैर रही होती है लेकिन उसके पास बहुत सारी फिश आ जाती है, लेकिन इधर वो फिश और इधर वो फिश स्वीटी के पैरों को चाटने लगता है और इधर यानी कि पैरों को चाटने लगते हैं यानी कि बहुत सारे फिश थे और इधर वो फिश ज्योति के कुछ अलग ही जगह पर यानी कि अंदर की जगह पर आ जाती है यानी कि अंदर घुस जाती है जिसके कारण से उसे थोड़ी शर्मिंदगी की और तकलीफ होती है जिसके कारण से वो खिलने लगती है और इधर वो पानी के नीचे आ जाती है यानी पानी के अंदर आ जाती है जहाँ पर उसे सोचता है स्वीटी डूब रही है इसी कारण से वो वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन इधर किरिया को दिखाया जाता है और फिर हमें फिर से कोसी को दिखाया जाता है जो कि पानी में आकर बोलता है मुझे स्वीटी के लेकिन मुझे स्वीटी को बचाना है और इधर स्वीटी का कुछ अलग ही हो रहा था, लेकिन हमें दिखाया जाता है स्वीटी को कोई बचाता है लेकिन वो होती है किरिया ना कि कोसी और इधर दिखाया जाता है लोग बीच के किनारे पर आ जाते हैं और इधर किरिया और स्वीटी बातें करने लगती है, इधर स्वीटी बोलती है वो कोई डूब नहीं रही थी उसको कुछ अलग ही हो गया था और फिर स्वीटी अंदर ही बोलती है शुक्र है वो फिश निकल गया और इधर कोसी आ जाता है और इधर वो बहुत परेशान था स्वीटी को लेकर और इधर किरिया बोलती है स्वीटी डूब नहीं रही थी उसे कुछ अलग ही हुआ था और इधर कोसी पूछता है तुम्हें क्या हुआ था यानी कि स्वीटी को पूछता है तुम्हें क्या हुआ था, लेकिन इधर स्वीटी शर्माती है इधर वो बोलती है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है और इधर हमें दिखाई देता है किरिया को जो कि स्वीटी के कानों के पास आकर बोलती है कोसी को तुम्हारी सच में फिक्र है सबसे पहले उसने नोटिस किया था कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ क्योंकि तुम सच से डूब रही थी ये सब कोसी ने फर्स्ट टाइम नोटिस किया था और इधर ये बात सुनकर स्वीटी बोलती है उसे कैसे पता यानी कि उसे कैसे आ गया तैरना वो तो तैरना नहीं जाता था और इधर किरिया बोलती है उसे नहीं आता लेकिन वो घबरा गया था उसने मुझे यानी कि कोसी ने उसके जगह किरिया को स्वीटी को बचाने के लिए बोला था और इधर फिर से बोलती है अगर कोसी ने ऐसा नहीं बोला तब भी मैं तुम्हें बचाती और इधर फिर हमें दिखाई देता है स्वीटी कुछ सोच रही होती है यानी कि वो सोच रही होती है कि वो सिर्फ एथेना को ही नजर नहीं रख रहा था वो स्वीटी को ऊपर भी नजर रख रहा था और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाई देता है जहाँ पर तेरा बोल रही होती है मुझे शौक हुआ यानी कि मैं शौक हूँ कि जब तुमने बोला कि तुम्हें तैरना नहीं आता है और इधर कोसी बोलता है हाँ लेकिन मुझे सीखना पड़ेगा और इधर बोलती है तब भी तुम बहुत अच्छे हो और इधर फ्री बोलती है तुम और जब फ्री बोलती है तब भी तुम क्यों दो और इधर हमें दिखाई देता है किरिया बोलती है तुम बहुत कूल हो और फिर कोसी बोलता है तब भी मैं स्वीटी को बचा नहीं पाया और इधर ना कोसी को हौसला देने के लिए बोलती है लेकिन सबसे पहले तुमने तो नोटिस किया था स्वीटी को कि वो मुसीबत पे है और इधर जना फिर से बोलती है तुमने उसके ऊपर भी नजर रखा ये काफी लाजवाब है और इधर कोसी को सोचने लगता है वो बोलता है मैं कुछ पीने के लिए ले आता हूँ इधर वो कुछ सोचते हुए जा रहा होता है और इधर वो सोच रहा होता है वो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन और फिर से शिफ्ट होता है और इधर हमें दिखाई देता है स्वीटी कुछ सोच रही होती है और उसके पीछे आ जाती है किरिया और इधर वो कुछ ठंडे कपड़े ले आई थी और इधर वो स्वीटी के फेस पर वो लगाने लगती है और इधर स्वीटी फिर से खुश हो जाती है और इधर वो बोलती है तुम्हें ये कहाँ से मिला है और इधर किरिया बोलती है उसने खास तुम्हारे लिए ये पैक किया था ये बात सुनकर वो पूछती है सच में और इधर किरिया बोलती है हम लोग जब बीच पर आने वाले थे तभी कोसी ने ये सब प्लान किया था और कोसी ने जरूर इन्हें फ्रिज पर रखा था और इधर वो दोनों ऐसे बातें करने लगते हैं और इधर स्वीटी किरिया को बोलती है मैंने जो तुम्हारे साथ किया तब भी तुमने मुझे बचाया यानी कि एपिसोड 4 में जो हुआ था किरिया और स्वीटी के बीच पर इसी कारण से वो माफी मांगती है और इधर वो बोलती है मुझे माफ कर दो मैंने ये सब किया था मैं कुछ तुम्हें गलत ही समझ लिया था अच्छा किया बोलती कुछ नहीं और इधर वो दोनों ऐसे बातें करने लगते है और इधर हमें दिखाई देता है मैं उन लोगों की बातों को सुनकर बोलती है मैं अगर इतनी गर्मी लगती है तो तुम अपने बालों को शॉर्ट क्यों कट नहीं देती इससे तुम्हें थोड़ी गर्म यानी थोड़ी गर्मी कम लगेगी और इधर स्वीटी का ये एक राज था क्योंकि किरिया को वो बताती है लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारा बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि अगर इस चैनल पर टर्मिनेट यानी कि इस चैनल टर्मिनेट हो गया तो उस चैनल पर एक्सप्रेशन आएगी कुछ दिनों के बाद उसपे भी न्यू एनिमे सीरीज लाएंगे इधर आप लोग उस चैनल पर
एनिमे के आप लोग हमें सजेशन दे सकते हैं या फिर रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फिर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं एनिमेक्स रिवेंजर कंटिन्यू करती है जो कि बचा हुआ था अर्जुन पे दिखाई देता है। ड्यूटी किरा के कानों में कुछ बोलती है, अर्जुन किरा सबको बता देती है कि किरा का ये राज, और इधर किरा बोलती है स्वीटी के स्वीटी बड़ी बार रखती है। स्वीटी का हेयर कट ऐसे क्यों है, क्योंकि उसी का जो ये जब उसी छोटा था उसका एक टीचर पर क्रश था जिसका हेयर स्टाइल ऐसा ही था, जिस कारण से स्वीटी ने भी ऐसा ही हेयर कट रखा है। और इधर ये बात सुनकर स्वीटी को पकड़ के बोलती है तुम बहुत अच्छी हो, और जब स्वीटी का यानी कि स्वीटी को बहुत गर्मी लगती है इसी कारण से एथेना वहां से चली जाती है। और इधर वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नोकन लेकर आती हूँ। और इधर मुझे कोसी को जो कि कुछ जोश के यानी कि जोश ले आ रहा था, और इधर तभी मुझे एक आवाज आती है, और इधर वो जब देखता है वहाँ पर एथेना होती है, और इधर एथेना को बहुत सारे लड़के यानी कि दो लड़के खेल रहे होते हैं। जब वो दोनों लड़के बोल रहे होते हैं एथेना को हमारे साथ चलो हम लोग स्विमिंग करेंगे, लेकिन इधर एथेना उसे मना कर रही होती है, लेकिन इधर वो दोनों लड़के मान नहीं रहे थे। और इधर एथेना का हाथ वो दोनों लड़के पकड़ लेते हैं जिसके कारण से एथेना अपने नाक को पकड़ती है क्योंकि उसके नाक से ब्लीडिंग हो सकती थी। ये हमें तभी दिखाया जाता है उस लड़के का हाथ को एथेना के हाथ से दूर कर दिया था। और इधर वो होता है कोसी, और इधर उसे आकर बोलता है तुम इसे नहीं छू सकते, एक लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और इधर वो लड़का पूछता है ये बच्चा कौन है, और इधर वो यानी कि कोसी बोलता है बिकॉज एथेना बोलती है मेरा भाई, और इधर आदमी बोलता है तुम्हारा भाई, और इधर क्या हुआ तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, और इधर कोसी बोलता है मैं एथेना का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ लेकिन तब भी मैं उसका दो मदर हूँ। और इधर वो एथेना को खींचकर वहां से ले जाता है, और इधर एथेना सोचने लगती है कोसी ने मुझे फिर से बचाया, कोसी कितना अच्छा है। और इधर नीचे ऊपर आकर कोसी एथेना से माफी मांगता है क्योंकि उसे ब्रीदिंग होती है, और इधर वो बोलता है मुझे माफ करना भूल चुका था तुम्हारे नाक से यानी कि नोज से ब्रीदिंग होती है। और इधर एथेना बोलती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ जिसके कारण से मेरे नाक से ब्रीदिंग नहीं होती है। और इधर सीनशिप तो दिखाया जाता है जहाँ पर प्लेयर एक कमर होते हैं यानी कि वो लोग एक बाथरूम में होते हैं, और इधर हमें दिखाया जाता है एक रूम के अंदर यानी कि शावर के अंदर पर एथेना नहा रही होती है, और इधर वो सोच रही होती है उसी ने उसे बचाया था। और इधर तभी उसके पीछे से आवाज आती है, और इधर वो होती है स्वीटी, और इधर स्वीटी बोलती है उसे माफ कर देना उस दिन के बारे में यानी कि एपिसोड 3 तो नहीं है लेकिन एपिसोड 4 में दिया जाता इरिया और जनक के साथ वो किया था, और इधर वो माफी मांगती है। फिर हमें शंकर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सारे जा रहे होते हैं लेकिन इधर एथेना खुश थी, और इधर स्वीटी देख रही होती है, और इधर स्वीटी सोचती है मुझे गलत फहमी हो रही थी मैंने सोचा था एथेना कोसी को पसंद करती है लेकिन वो एक भाई बहन है। और इधर स्वीटी कोसी को देखती है, और इधर कोसी बहुत खुश ऐसा लग रहा था, और इधर स्वीटी उसे देखने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कोसी सनसेट को देखता है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग सारे दोम पर आ चुके थे, और इधर कोसी अपने काम पे लग जाता है यानी कि वो खाना बनाता है वहाँ पर आ जाती है प्रे, और इधर वो आकर अपने मुंडनों पर उसका फेस लगा देती है। और इधर कोसी बोलता है अब इसका करना पड़ेगा यानी कि आप हमेशा ये सब क्या करती है, और इधर फ्रे बोलती है कुकर में कुछ है, और इधर वो बॉयल हो चुका है, और इधर हमें दिखाया जाता है सब लोग खाना खा रहे होते हैं, और इधर किरिया बोलती है बहुत अच्छा खाना था, और इधर उसे कुछ नहीं बोलता है इसी कारण से फ्रे फिर से बोलती है किरिया भी बोलती है खाना बहुत अच्छा था, और इधर उसे बोलता है शुक्रिया, और इधर देखने से लगता है कि वो बहुत दुखी था। और इधर वहाँ पर आ जाती है यानी कि एथेना वहाँ पर आ जाती है, और कोसी बर्तन धो रहा था, और इधर एथेना आकर बोलती है मैं भी बर्तन धो दूँ, लेकिन इधर कोसी बोलता है मेरा ये सब काम है मुझे ये सब करना पड़ेगा आपका कोई जरूरत नहीं है। और इधर एथेना वहाँ से चली जाती है, और फिर हमें दिखाई देता है मिनोरू और फ्रे एक साथ बातें कर रहे होते हैं, और इधर बोलती है आजकल कोसी को देखने से ऐसा लगता है वो किसी और ही दुनिया पर रहता है वो बहुत दुखी है, और इधर फ्रे बोलती है हमें कुछ करना पड़ेगा, और इधर फ्रे बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, और इधर हमें दिखाई देता है कोसी कुछ काम और तभी कोसी वो एक फोटो पर नजर करता है, और इधर वो देखता है कि उन लोगों ने यानी कि एथेना और उन लोगों के एक साथ ही जो फोटो उठा था, इधर तभी वहाँ पर आ जाते फ्रे, और इधर वो आकर बोलती है कोसी तुम्हें कोई अभी अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हें कहीं पर ले जाने चाहती हूँ, और इधर कोसी बोलता है मेरी कोई दिक्कत नहीं है, और इधर ये बात सुनकर फ्रे खुश हो जाती है। और फिर हमें दिखाई देता है वो लोग एक जगह पर आए थे यानी कि वो लोग एक कॉस्प्ले की दुकान में शायद से आए थे या फिर एक फोटोशॉप की दुकान पर आए थे, जहाँ पर हमें एक अलग सा सीन दिखाया जाता है यानी एक नोटिस वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शॉप के बाहर एक कॉस्प्ले के फोटो थे, लेकिन इधर वो लोग मर्डर ऑफ गॉडेस के कैरेक्टर के कॉस्प्ले थे, और इधर हमें दिखाई देता है उसके अंदर यानी कि उस शॉप के अंदर कुछ अलग ही
डर क्या, या फिर आप लोग कह सकते हैं लड़की की तरह ही कुछ होता है, यानी कि आदमी होता है और इधर वो फ्री को बोलती है आपका इस शॉप पर स्वागत है और फ्री में दिखा देता है। वो लोग एक कॉस्प्ले का कॉस्ट्यूम लेते हैं और इधर हमें दिखा देता है कोसी कॉस्प्ले का डिजाइन, यानी कि कॉस्प्ले का वो कपड़ा पहन नहीं पा रहा होता है और इधर वो बोलता है मैं फंस चुका हूँ और इधर फ्री उसे मदद करने के लिए जाती है, लेकिन इधर वो जो होना था उस कॉस्प्ले स्टूडियो का और इधर वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इधर फ्री बोलती है मैं सिर्फ उसकी बड़ी बहन हूँ और इधर हमें दिखा देता है वो कर कोशिका वो खोल देती है, यानी कि वो जो फंस चुका था वो खोल देती है और इधर वो कोशिका कुछ अलग ही है, यानी कि पैंट खोलने लगती है जिसके कारण से उसे बहुत शर्म आती है और इधर हमें दिखा देता है कोसी फ्री को वहाँ से बाहर कर देता है और इधर हमें दिखा देता है वो लोग एक अलग सा ही कॉस्ट्यूम पहने थे जिसके कारण से उन लोगों को दिखने में कुछ अलग लग रहा था और इधर वो आदमी उन लोगों की फोटो खींचने लगता है और इधर हमें दिखा देता है न्यू लॉन्च मोबाइल गेम का, यानी कि वो लोग एक न्यू लॉन्च मोबाइल गेम का कॉस्प्ले निभा रहे होते है और इधर हमें कैसल पर दिखाया जाता है जहाँ पर होती है फ्री और उसके साथ होता है कोसी और इधर वो लोग एक साथ बातें कर रहे होते है और इधर फ्री बोलती है तुम एक असली कॉस्प्ले बनना पड़ेगा जिस कारण से हम लोगों को असली दिखाना पड़ेगा और इधर तुम्हें मैं जो बोल रही उसका डायरेक्ट जवाब देना पड़ेगा और इधर उसे मान जाता है और इधर फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि फ्री पूछती है क्या हमारा वेकेशन पर तुम्हारा और कुछ औरों के बीच पर कुछ लड़ाई या फिर कुछ हुआ था क्या, और इधर कोसी बोलता है ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था और इधर फ्री बहुत गुस्सा हो जाती है और इधर वो फिर से पूछने लगती है तुम ऐसा वर्ड अप क्यों करे, और इधर कोसी कुछ देर के लिए सोचता है और इधर वो बोलता है समर वेकेशन के वक्त जब हम लोग बीच पर गए थे कुछ हुआ था जिसके कारण यानी कि किसी ने मुझे कहा वो मेरे साथ होने से और बीच पर यानी कि बीच पर मुझे किसी ने कहा था वो मेरे होने से सुरक्षित महसूस करती है, मैं उसके लिए एक फैमिली जैसा हूँ, किसी को भी ये सुनकर खुशी मिलेगी इससे मुझे खुशी मिलनी चाहिए थी, ये ऐसा क्यों हुआ मुझे खुशी नहीं मिली मैं इसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ। और फिर उसके बाद यानी कि उनकी बातों को सुनकर फ्री कोसी को एक लात मारती है और इधर वो यानी कि कोसी एकदम ब्रिज के नीचे के गिरने वाला होता है, लेकिन इधर वो एक हाथ से उसे यानी कि वो बच रहा होता है, लेकिन इधर फ्री अगर बोलती है दूसरे शब्दों में तुम अपने कॉस्प्ले कैरेक्टर जैसे ही हो, इधर फ्री फिर से बोलती है तुम चाहते हो ना तुम्हें वो मर्द जैसा दिखे, लेकिन तुम्हें देखे कोसी को वहां से गिरा देती है और इधर कोसी एक जगह पर आकर गिरता है और इधर कोसी बोलने लगता है बिल्कुल भी नहीं ये सच नहीं है और इधर वहां पर आ जाते फ्री और इधर कोसी बोलने लगता है फिर से मैं ये सब दिखावा कर रहा था मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन इससे कोई मर्द और औरत का लेना देना नहीं है, मैं कुछ खोना नहीं चाहता और इधर मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे नफरत करे और इधर इधर फ्री अपने विंडो पर कोसी का फेस लगा देती है और इधर वो बोलती है मुझे माफ करना मैंने तुम पर दबाव दिया और इधर वो दोनों हक कर लेते हैं और इधर फ्री बोलती है मुझे बताने के लिए थैंक्स, लेकिन इधर फ्री फिर से बोलती है ऐसे मैंने खुद ही तुमसे निकलवा लिया इस बात से मुझे खुशी है पता है मैं तो आपसे ऐसी लड़की हूँ जो कि दस बोलती है और सीधी सीधी बोल देती है सब कुछ बातें को और पास में इसके कारण मेरी मुझे बहुत गलतियाँ हुई और जब फ्री अपने बारे में बोल रही होती है और जब वो बोलते है मुझे इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं घुसाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसी की फीलिंग्स के ऊपर अपनी फीलिंग्स भी रख दी और जब फिर से बोलने लगती है मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई मुझे दुनिया से नफरत करे, लेकिन मेरे बारे में सच जानना चाहिए था, पूरे डोम के मेंबर्स को मेरे बारे में जानना चाहिए, मैं अपनी गलतियों से नहीं भागती जैसे मैंने पास में की थी। और फिर वो दोनों को दिखाया जाता है जो कि उस स्टूडियो से निकल के आते हैं और इधर वो दोनों जा रहे होते हैं और कोसी बोलता है मुझे नहीं लगता मैं आपकी तरह, मेरा जवाब था मैं बचाने की जगह बसाना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि मैं एक डोम मदर हूँ और इधर मुझे नहीं लगता मैं आपकी तरह तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मैं सोच है कि यानी कि मैंने सोचा है कि मैं अपने फीलिंग्स को कॉन्फिडेंट और क्लियर करना चाहूंगा सिर्फ अपने दिल में ही। जब उनने कहा कि मुझे बचाएगी मेरा जवाब था चाहे जाने की जगह मैं बचाना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि मैं एक डोम मदर हूँ और इधर एक मर्द फी और इधर उसकी बातों को सुनकर किरिया खुश हो जाती है यानी कि सॉरी गाइस फ्री खुश हो जाती है और इधर वो बोलती है हम लोग चलते हैं डोम पर और इधर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और इसके बाद वाले एपिसोड में कुछ तो है यानी कि इससे बाद वाले एपिसोड पर आप लोग स्वीटी के साथ और कुछ भी यानी कि कुछ स्पेशल तो दिखने को मिलेगा ही।